नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्यूटोरियल लैडर में। तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं रायपुर जिला के संबंध में। ठीक है, रायपुर जिला। तो रायपुर जिला के संबंध में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 1961 में रायपुर जो है आपका जिला बनता है। ठीक है, 1961 में रायपुर क्या बना, जिला बना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक रोड आती है NH 53। ठीक है, एक रोड आपकी जाएगी NH 53। ये दुर्ग तरफ से रोड आएगी, दुर्ग से आकर के रायपुर अंदर प्रवेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका रायपुर है, रायपुर प्रवेश करेगा, फिर परसदा आरंभ होते हुए कहाँ निकल जाएगा, महासमुंद के लिए निकल जाएगा। एक रोड हम लोग देखते हैं इधर धमतरी तरफ से आएगा, अभनपुर निमेरा ऊपरवार होते हुए रायपुर। ठीक है, फिर इधर कहाँ निकल जाएगा, बलौदा बाजार तरफ निकल जाएगा। तो हम लोग देखेंगे रायपुर में क्या क्या है, इसके प्रमुख शहरों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं ये NH 30 ऊपर की ओर गया है। NH 30 में अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले ऊपर की तरफ अगर जाएंगे, है ना, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो अपने को सबसे पहले मिलेगा रावा भाटा। ठीक है, क्या मिलेगा, रावा भाटा। तो रावा भाटा जो है आपका मेटल पार के लिए क्या है, फेमस है, मेटल पार। रावा भाटा आपका क्या है, मेटल पार। रावा भाटा से आगे हम लोग जाएंगे रोड में तो अपने को मिलेगा बीरगांव। बीरगांव जो है वो क्या है, नगर निगम। तो बीरगांव को ध्यान रखना है, बीरगांव आपका नगर निगम। बीरगांव से आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा भनपुरी। ठीक है, बीरगांव से ऊपर क्या मिलेगा, भनपुरी, और भनपुरी से ऊपर क्या मिलेगा, उरला, और उरला के ऊपर क्या मिलेगा, सिरतरा, और सिरतरा के ऊपर मिलेगा धरसीवा। तो भनपुरी की बात करें तो भनपुरी में है आपका वस्त्र पार्क। भनपुरी में क्या है, वस्त्र पार्क। भनपुरी के ऊपर उरला, उरला में देखेंगे तो उरला है आपका इंडस्ट्रियल एरिया। सिलतरा, सिलतरा जो है वो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, ये जो है सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया क्या हो जाएगा, सिलतरा। सिलतरा से आगे हम लोग चलेंगे तो अपने को मिल जाएगा धरसीवा। ठीक है, तो इस रोड में अपने को याद रखना है राव भाटा, बीरगांव, भनपुरी, उरला, सिलतरा और धरसीवा। ठीक है, राव भाटा आपका क्या है, मेटल पार्क। बीरगांव क्या है, नगर निगम। भनपुरी आपका क्या है, वस्त्र पार्क। भनपुरी से आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा उरला, उरला इंडस्ट्रियल एरिया है। उरला से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, सिलतरा, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और उसके ऊपर है धरसीवा। तो धरसीवा को आपको जगह बस को क्या करना है, याद करना है। अब यहाँ रायपुर मेन पॉइंट से देखते हैं, यहाँ ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ये आपका रेल लाइन है, ये कौन सा लाइन है, रेल लाइन। ठीक है, तो रेल लाइन में ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले मिलेगा WRS, वेगर रिपेयर शॉप। वेगर रिपेयर शॉप मतलब यहाँ का जो है रेल के उसका रेल का पार्ट्स बनता है। ठीक है, ट्रेन का पार्ट्स, डिब्बा वगैरह का जो पार्ट्स वगैरह है यहाँ पे बनता है, तो ये क्या हो जाएगा, वेगर रिपेयर शॉप। इसके ऊपर जाएंगे तो ऊपर अपने को मिलेगा माढ़र। ठीक है, तो माढ़र में आपको मिलता है CCI सीमेंट। माढ़र में क्या मिलेगा, CCI सीमेंट। माढ़र से ऊपर हम लोग जाएंगे तो माढ़र से ऊपर अपने को मिलेगा बैकुंठ। ठीक है, बैकुंठ में आपका है सेंचुरी सीमेंट, इसको याद रखना है, बैकुंठ में क्या है, सेंचुरी सीमेंट। बैकुंठ से ऊपर चले जाएंगे तो अपने को मिलेगा तिल्दा। ठीक है, तिल्दा में है आपका राइस मिल। ठीक है, और प्लास्टिक पार्क। तो तिल्दा के लिए याद रखना है राइस मिल। ठीक है, ये हो गया WRS, माढ़र, बैकुंठ और तिल्दा। WRS वेगर रिपेयर शॉप, माढ़र आपका CCI सीमेंट, माढ़र के ऊपर बैकुंठ सेंचुरी सीमेंट, और तिल्दा, तिल्दा आपका क्या हो जाएगा, राइस मिल। ठीक है, अब ये वाले रूट में हम लोग नीचे आएंगे। ठीक है, उससे पहले ये वाले रूट को हम लोग देखते हैं, दुर्ग से रायपुर की तरफ जब हम लोग जाएंगे। ठीक है, दुर्ग से रायपुर तरफ जाएंगे तो यहाँ पे चौक मिलेगा। ठीक है, टाटी बांध चौक। ठीक है, टाटी बांध चौक
ये सीधा निकल जाएगा आपका मंदिर हसौद के लिए, ठीक है, टाटी बांध से मंदिर हसौद। अगर इस तरफ जाएंगे ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपका फाफाटी, और इस तरफ आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपका पचपेड़ी, ठीक है, टाटी बांध, फाफाटी, मंदिर हसौद और ये पचपेड़ी, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रायपुर, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चौक याद रखना। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये जो एरो निशान दिखाया है, ये है माना हवाई अड्डा, जिसे स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। तो यह आपका स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। इस रूट में हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा उपरवारा, ठीक है। उपरवारा में आपका है पुरखौली मुक्तांगन। तो पुरखौली मुक्तांगन इसमें क्या है, ये जो है आपका आदिवासी कला, ठीक है, ग्रामीण चित्र और मूर्ति कला, इसके बहुत सारे दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया जगह है ऊपर वारा। इसके नीचे आएंगे तो अपने को मिलेगा निमोरा, ठीक है। तो यहाँ पे है सिविल सर्विसेज एकेडमी। निमोरा में आपका क्या है, सिविल सर्विसेज एकेडमी, ठीक है। तो सिविल सर्विसेज में किसी का अगर जॉब लग जाता है तो यहाँ उनको क्या दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है। तो निमोरा आपका हो जाएगा सिविल सर्विसेज एकेडमी। उसके नीचे आएंगे अभनपुर। अभनपुर से आपका रोड कटा है NH 130, ठीक है, NH 130 आपका रोड कट गया। इधर ऊपर जाएंगे यहाँ पे देखेंगे, इस वाले रूट में जाएंगे तो ये आपको मिलेगा परसदा, ठीक है। इस तरफ ऊपर जाएंगे तो अपने क्या मिलेगा, परसदा। यहां पर है आपका वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, यहाँ पे आपको मिलेगा परसदा में। परसदा से आगे जाएंगे चंदखुरी। चंदखुरी में आपका पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, पुलिस एकेडमी। तो चंदखुरी में आपको याद रखना है पुलिस प्रशिक्षण केंद्र। उसके आगे जाएंगे तो अपने को मिलेगा आरंग, ठीक है। आरंग को कहा जाता है मंदिरों की नगरी, ठीक है। आरंग क्या है, मंदिरों की नगरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मंदिर यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो आरंग जो है मंदिरों की नगरी है। उसके अलावा ठीक है, इधर हम लोग आगे जाएंगे तो आगे अपने को मिल जाएगा चंपारण, ठीक है। तो चंपारण जो है वो है वल्लभाचार्य का जन्म स्थान। चंपारण से आपको याद रखना है, चंपारण जो है वो है वल्लभाचार्य का जन्म स्थान, ठीक है। उसके बाद आएंगे गोबरा नवा पारा। तो गोबरा नवा पारा आपका है पेपर मिल, ठीक है, गोबरा नवा पारा में पेपर मिल, ठीक है। तो इस तरीके से जो रायपुर जिले में महत्वपूर्ण स्थान है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गरियाबंद, ठीक है।